वेलकम टू माय चैनल। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसे जरूर कर दीजिए। और आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल मसाला सोया चाप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिए मैं दोस्तों कढ़ाई और उसमें मैं डालूंगी सरसों का तेल। अब मेरा तेल एकदम गर्म हो चुका है और यह है मेरे पास चाप, आप देख सकते हो ये स्टिक्स है इनमें। और अब मैं इसे फ्राई करूंगी अपनी चापों को। हम इन्हें आगे पीछे दोनों तरफ से पलट पलट के सेक लेंगे अच्छे से। ये बड़ी फूल जाएंगी, आपको दबा दबा के एकदम सेकनी है ताकि अंदर से बिल्कुल भी कच्ची ना रह जाए। जैसे मैं कर रही हूँ बिल्कुल वैसे ही करना है आपको, अलग पलट के सेकनी है बिल्कुल। हमारी ये वाली चाप अच्छे से सिक चुकी है और देख सकते हैं आप ये थोड़ी सी फूल भी गई है। और आप इन्हें दबा के आपको पता चल जाएगा कि ये अंदर से सॉफ्ट भी हो गई है। तो अब मैं इन्हें निकाल लूंगी। और अब मैं अपनी बची हुई चापों को भी ऐसे ही सेक लूंगी। ऐसे ही आपको फ्राई कर लेना है इन्हें। जैसे ये दबने लगे और ऊपर से क्रंची होने लगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी चाप अंदर से पक चुकी है। अब हमारी चाप, सारी चाप मैंने फ्राई कर ली है और वही तेल है, इसी तेल में मैंने हींग डालूंगी। ये एक चुटकी हींग है मेरे पास, तेल ऑलरेडी गर्म है। फिर मैं इसमें ऐड करूंगी प्याज। मैंने दो बड़ी प्याज चॉप करी है, फाइन चॉप प्याज है मेरे पास। और हम अपनी प्याज को अच्छे से भून लेंगे। हमारी प्याज अच्छे से भून चुकी है और अब मैं इसमें ऐड करूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये मैंने दो बड़ी चम्मच ऐड करा है इसमें। इसको भी अच्छे से भून लूंगी मैं। मेरा लहसुन भी आधा भून चुका है और अब मैं इसमें ऐड करूंगी हल्दी। एक चम्मच हल्दी ऐड कर रही हूँ मैं ये। आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड करा है मैंने और नमक डालना है आपको स्वाद अनुसार। मैंने एक स्पून नमक डाला है, इसे अच्छे से मिला लूंगी जब तक हल्दी पक जाएगी हमारी। और फिर मैं इसमें ऐड करूंगी ये मेरे पास धनिया, साबुत धनिया और साबुत लाल मिर्च को मैंने पहले भिगो लिया था, उसके बाद मैंने इसका पेस्ट बनाया है और अब मैं इसे ऐड करूंगी। ये मेरे पास 6 साबुत लाल मिर्च थी जिन्हें मैंने भिगो लिया था और 1.5 चम्मच मैंने धनिया लिया था सूखा जिसे मैंने भिगोने के बाद पीसा है। और मैं अपने सारे मसाले को अच्छे से भून लूंगी। मुझे मसाला जब तक भूनना है जब तक ये तेल ना छोड़ दे साइड से। और आप देख सकते हो मेरा मसाला अच्छे से पक चुका है, साइड में तेल आने लगा है। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी टमाटर। ये मेरे दो बड़े टमाटर की प्यूरी है जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और मैं इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये देखिए बड़ा ही प्यारा कलर आ रहा है इसमें। और मैं अपने टमाटरों को भी जब तक ऐसे ही चलाते रहूंगी जब तक ये पूरे पक नहीं जाते। और मैं ये इसमें ऐड कर रही हूँ कश्मीरी रेड चिली पाउडर फॉर कलर के लिए, इससे बहुत ही अच्छा कलर आ जाएगा हमारी सब्जी में। मैंने अपनी चाप की सारी स्टिक्स निकाल दी, आप देख सकते हो बड़ी ही आराम से आपकी स्टिक निकल जाएंगी। फिर इसे आप सीजर की मदद से काट लो। आप चाहो तो इन्हें साबुत भी ऐसे ही बना सकते हो पूरी की पूरी, लेकिन मुझे कटी हुई ज्यादा पसंद है इसलिए मैं इन्हें कट करके बना रही हूँ।
और मेरा मसाला और टमाटर सब कुछ बड़े अच्छे से भून चुका है, आप देख सकते हो तेल रिमूव होता जा रहा है इसमें से। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी ये अपनी चाप, और इसे भी मैं इसमें अच्छे से भून लूंगी। पूरा भूनना है पहले आपको इस मसाले में, इस चाप को अच्छे से लपेट के। अब मैं अपनी चाप को 8 से 10 मिनट तक ऐसे ही मसाले में अच्छे से भूनूंगी, पकाऊंगी, और आपको भी इसे ऐसे ही पकाना है ताकि जो हमारी चाप है वो सारे फ्लेवर ले ले। जब हमारा मसाला नीचे चिपकने लगे तब आपको इसमें पानी ऐड करना है, देख सकते हैं आप मेरा चिपकने लग गया है। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी पानी, अब मैंने इसमें पानी डाल दिया है। और इसकी जो ग्रेवी होती है वो थोड़ी थिक होती है, तो आपको अपने हिसाब से रखना है, आपको पतली रखनी है तो पतली रखें या गाढ़ी रखनी है गाढ़ी रखें। मैंने नॉर्मल पानी इसमें ऐड करा है और अब मैं इसे ढक के 10 मिनट के लिए रख दूंगी ताकि जो हमारी ग्रेवी है वो भी अच्छे से पक जाए। अब हमें 10 मिनट हो चुके हैं और हम अपनी सब्जी को चेक कर लेंगे। तो ये देखिए कितना प्यारा कलर आया, एकदम मार्केट जैसा। और अब मैं इसे एक बार मिक्स कर लूंगी। ये देखिए हमारी ग्रेवी भी एकदम पक चुकी है, मुझे इतनी ही ग्रेवी चाहिए, ना ज्यादा पतली है ना ज्यादा गाढ़ी है। ये देखिए मेरी ग्रेवी भी एकदम रेडी है और मेरी सोया मसाला चाप एकदम रेडी है। अब मैं अपनी फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और मैं इसे सर्व करूंगी ग्रीन धनिया के।